हर एक के अपने जीवन में कुछ सपने तो होते हैं, कम ही होते हैं ख्वाब सफल, कुछ आधे रास्ते खोते हैं, कुछ आधे रास्ते खोते हैं, कुछ आधे कुछ वक्त के हाथों खो जाते, कुछ खो जाते हालातों में, कुछ मुश्किलों से डर जाते, कुछ रह जाते बस बातों में, दुनिया के रिश्ते नातों में, कुछ खुद के ही हालातों में, रोज आते जो ख्वाब वो सपने तेरे हैं, पर जान ले तू सपने तेरे, सपनों का सफर मुश्किल होगा, मुश्किल मंजिल बन जाएगी, पग पग पे तुझे डराएगी, तुझे इस डर से लड़ना होगा पढ़ना होगा, हर राह में होंगी दीवारें, दीवारों पे चढ़ना होगा। इसको बंद करो। अच्छा बेहद डांस है। हाँ फर्स्ट यू एक्सप्लेन देन यू प्ले। ओके टेल। सर दिस इज अ फेरी लैंड टाइप। वी हैव पुट दिस इन अ थीम ऑफ फेरी लैंड एंड एज यू कैन सी इट्स लाइक अ गार्डन हियर एंड टेडी बेयर्स हियर। सो इट्स लाइक अ फेरी टाइप। वी हैव पुट दैट इन दिस लैंड ऑफ फेरी लैंड। आर दे डांसिंग हियर? या दे आर डांसिंग। अलाउ देम टू डांस। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सपनों की राह पर मकसद से रूबरू, खुद को जानने हो ये सफर शुरू। सपनों की राह पर मकसद से रूबरू, खुद को जानने हो ये सफर शुरू। दिल में ये बस जाएंगे, आँखों में चिपक जाएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हर लम्हा ये जो गुजरता है देता है कुछ नया सा असर, यादों के इस रजिस्टर पर ये बुनता है एक सुहाना सफर। दिल में बस जाएंगे, आंखों में चिपक जाएंगे, मिलाओ रंग हर पल, सांसों में तो ये खुल जाएंगे। सौर ऊर्जा का बड़ा फायदा है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इससे हम कई यंत्र चला सकते हैं। सौर ऊर्जा बिजली की बचत तो करती ही है, साथ ही साथ पैसों की भी बचत करती है। अगर इसका उपयोग बड़ी तादाद पर हो तो हम पर्यावरण शुद्ध तो होगा ही, साथ ही साथ धरती का निरंतर बर्बरता भी कम हो जाएगा। धन्यवाद। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, और ना ही संघर्ष के बिना कोई मुकाम हासिल होता है। भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान पैदा किया जाए। सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सफल व्यक्ति बार बार असफल होता है, दोबारा कोशिश करता है, फिर दोबारा असफल होता है, और फिर दोबारा कोशिश करता है, और इस बार सफल होकर दिखाता है, तभी वो सक्सेसफुल कहलाता है। लेकिन एक बार असफल होकर हार मानने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए असफल हो जाता है और फिर पूरी जिंदगी अफसोस करता रहता है। हम खुद ही अपने भाग्य के लेखक हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बाकी लोग क्या करते हैं और फिर हम भी वही सोचने और करने लगते हैं। वो रास्ता जिस पर बाकी लोग चलते हैं, अगर आप भी उस रास्ते पर चलेंगे तो कुछ देर के लिए जिंदगी आसान लग सकती है। मैम कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा। तो सोच समझ कर तय करिए, क्योंकि आप जो भी तय करेंगे जिंदगी में उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं जो ये सपना देखते हैं कि एक दिन जिंदगी बहुत अच्छी होगी, जिंदगी में हर खुशी होगी, और अक्सर ये सपने पूरे नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि सफल होने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए वो केवल कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है एक जज्बा, एक उल्लास, एक चिंगारी जो हर पल जली होनी चाहिए। हर दिन हमें मौका मिलता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्य के और ज्यादा करीब जाने का, खुद को एक लेवल ऊपर उठाने का। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? और मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अगर आपने हर दिन मेहनत और जुनून को गले लगा लिया तो आपका लक्ष्य भी आपको एक दिन गले लगा लेगा। अगर जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है तो हौसलों में हिम्मत चाहिए, बार बार हार कर गिर कर फिर उठ खड़े होने का जुनून चाहिए, इरादों में मजबूती चाहिए। लाखों लोग लक्ष्य पाना चाहते हैं, लेकिन आप में ऐसी कौन सी बात है कि वो लक्ष्य आपको ही मिलेगा? यही सवाल अपने आप से कीजिए, और जब जवाब मिल जाए तो लग जाइए उस लक्ष्य के पीछे, और तब तक मत रुकिए जब तक उस लक्ष्य को पा ना लो। अगर आप चाहते हैं जिंदगी को बदलना तो पता है क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I think that rainwater harvesting should be done in each and every house because day by day water is exhausting and plants and animals are dying. So that's why rainwater harvesting is necessary. So first of all, rainwater will collect in this tank. Through this pipe it will go to the water tank and this pipe will supply the water to plants and we can do other domestic works from rainwater like we can wash vehicles and sprinkle water plants. हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। रात का मालिक दबे हुए आदमी के मुंह में खिशी डालते वक्त उसे बताता है और मामला ऊपर तक चला गया। सुना है कल सेक्रेटरिएट में सारे सेक्रेटरी की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक। ये तो माना कि तगाफूल न करोगे लेकिन आप बुलाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? जी हाँ। साहब ये शायर है क्या? यह शायर है। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से होते हुए साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची है जहां से सेक्रेटरी अपने वाहन पर सवार होकर सभी का इंटरव्यू ले सकते हैं। क्या तुम हमारे मेंबर हो? आश्चर्य है इतना बड़ा कवि के फूल का लेखक हमारे मेंबर नहीं। ओ कैसी भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसी है मेरी नामी में दबा पड़ा है। मुझे अभी मैं समझ सकता हूँ की राह